दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लोग आपका AOC का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं इंग्लिश के लिए। आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बहुत ही जल्द यानी आपका बहुत ही जल्द आपका फिजिकल होगा और फिजिकल के एक महीने के अंदर ही आप लोगों का आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है AOC का। दोस्तों हम लोग आज अपना इंग्लिश का पहला प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। और अच्छे से आप लोग जो है पूरा प्रैक्टिस सेट को पूरा देखा करिए, आप लोग बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन ले रखा आपके इंग्लिश के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दे लाइक बेटर इनिमीज बट सून मेक अप। आप यहाँ पर देखिएगा, इस पूरे सेंटेंस को आप लोग देखिएगा, इसमें हमको क्या करना है, जो करेक्ट एनी वर्ड हमारा हो, जो अप्रोप्रिएट वर्ड हो, उसको हमको यहाँ पर फिल करना है। देखिए टम्पलेट का मतलब होता है कि झगड़ालू के सेंस में इसकी भी बात कर सकते हैं, झगड़ालू के सेंस में। इसके अलावा बात करें कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, आप लोगों को पता है कि किसी से विवाद हो जाना, कहीं किसी मुद्दे को लेकर के कन्फ्लिक्ट हो जाना, जैसे असमंजस की स्थिति बन जाना, ठीक है। अप्रोर का मतलब भी हमारा वही होता है। अगर हम लोग बात करें क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है आप लोगों को पता है झगड़ालू, यानी झगड़ालू किस्म का, यानी विवाद एवं विवाद करने वाला या झगड़ा एवं विवाद करने के टाइप से। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, दे क्वेरल लाइक बेटर एनिमीज बट सून मेकअप, ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा जहाँ पर हम लोग यहाँ इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमको दिया, यानी इसमें हमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को चूज करना है। साइंस विच डील विथ इलिस्टिकल्स ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, सेलेक्टिकल्स ऑब्जेक्ट एंड स्पेस, यानी ऐसा साइंस जो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट स्पेस वगैरह के बारे में बताता है, यानी ऑब्जेक्ट और वस्तु या फिर स्पेस के बारे में बोलता है, जिसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं खगोल विज्ञान, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि खगोल विज्ञान। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का मतलब आपका भूगोल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है आपका, अगर हम लोग बात करें तो ज्योतिष शास्त्र। अगर हम लोग बात करें जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब आप लोगों का होता है भू विज्ञान। अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब हमारा होता है खगोल विज्ञान। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, वो ऐसा विज्ञान जो हमको, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें हम लोग ग्रह के बारे में, ऑब्जेक्ट स्पेस के बारे में बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है एस्ट्रोनॉमी। तो हमारा वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सबको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छे से आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि हमको जो गलत वर्ड है उसको हमको चूज करना है। देखिए पहला हमारा होता है FROUN, इसका मतलब होता है फ्रोन, यानी ये हमारा एकदम क्या है राइट वर्ड है। अगर इसकी हम लोग बात करें देखें तो ये हमारे हमको क्या बताता है, अगर ये हमको क्या बताता है फ्रोन। इसके अलावा बात करेंगे FORTH, फ्रेंड, फ्रोजन, तो आप ये चारों वर्ड में देख रहे हैं तो फ्रोन का मतलब होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है। अगला वर्ड हम लोग अपना देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर आप लोग देखिएगा, हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमको देखना है कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, और अगर मुझे लगता है, आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें जो है कोई यूज नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं, सिखा सेड दैट द पेपर वाज लेंथी एंड नो डिफिकल्ट, यानी अगर जो सिखा है वो कह रही है कि जो पेपर है वो लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, अगर लेंथी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको समझेंगे क्या चीज़ें होंगी, जैसे अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि लेंथी एंड नो, लेंथी बट नॉट, अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखिए लेंथी एंड नो बट डिफिकल्ट, अगर इसको हम लोग देखें, इसको हमको प्रतिस्थापित करना, किसी चीज़ को हटाना हो, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कंजक्शन बट, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंजक्शन बट का प्रयोग कर सकते हैं, कंजक्शन बट का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूँ, जैसे आपका क्या होता है आइडिया और ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, चाहे आइडिया की बात की जाए या ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जब भी आइडिया और ऑब्जेक्ट को जोड़ना होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। जब भी हमको आइडिया और ऑब्जेक्ट का यूज करना होगा तो हम लोग एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफिकल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो कौन सा चीज, जैसे लेंथी एंड नोट, तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं कि लेंथी बट नॉट। देखिए आपका क्या हो गया, ये पूरा, यानी अगर इसको पूरा सेंस को हम समझें, सीखा सेड द पेपर वाज लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट, मतलब लेंथी था लेकिन डिफिकल्ट नहीं था। नो डिफिकल्ट आपका यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब फिर से आपको क्या करना है कि जो हमारा इनकरेक्टली वर्ड, देखिए अगर आपको दिख ही रहा होगा, देखो प्रॉस्पेक्ट, प्रियम्बल, क्रोनिक सब ठीक है, क्रोनिक का मतलब, प्रॉस्पेक्ट का मतलब भी आपको पता है, प्रियम्बल का मतलब भी होता है, लेकिन एम्बुलेंस की स्पेलिंग देखिए गलत है। इसको आपको लोगों को पता है, एम्बुलेंस की स्पेलिंग होती है AMBULANCE, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। जहाँ पे ई है वहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आप लोगों को यहाँ पर जो ईडियम का मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग है उसको हमको चूज करना। आप लोग देखिएगा, जैसे हमारा क्या है, कम थॉट, यानी अगर हम लोग बात करें, कम थॉट का मतलब होता है कि बहुत सी वस्तुएं, जैसे मान लो हम लोग बात करें कि बहुत सी वस्तुएं जो एक चीज़ से ध्यान ढूंढना है, जैसे बहुत सी वस्तुओं में से एक चीज़ पर ध्यान लगाना या बहुत सी वस्तुओं में से किसी एक चीज़ को ढूंढना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, टू केयरफुली लुक थॉट, सबसे पहला देखिए, टू केयरफुली लुक थॉट, टू बी ट्रैप्ड समवेयर, टू हाइड इन्फॉर्मेशन, टू कम आउट ऑफ अ प्रॉब्लम। देखिए इसका मतलब किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालना, प्रॉब्लम को या किसी इन्फॉर्मेशन को छुपाना, टू बी ट्रैप्ड समवेयर, यानी किसी चीज़ को ट्रैप्ड करके रखना, हटा के रखना इस तरीके से, टू बी केयरफुली लुक थॉट। जैसे मान लीजिए अभी इस टैब में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस हमको दिया, अगर मान लो इस पूरे सेंटेंस में हमको कहाँ फोकस करना है, कि मान लो हमको ये फोकस करना है कि ये हमारा ईडियम है। इसी तरीके से दोस्तों मान लो बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, उसमें से किसी एक वस्तु पर हमको फोकस करना है, उसको ढूंढना है। जैसे मान लो कभी हम लोग का पेन खो जाए, कभी कोई ऐसी वस्तु खो जाती है, हम लोग क्या पूरी चीज़ों को भूल के खाली उस वस्तु का हमारे दिमाग में इमेज रहता है, उसको खोजते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा रैली। देखिए आपको यहाँ पर देखना है कि रैली का मतलब क्या होता है। आपको पता है रैली का अर्थ होता है भरोसा करना, नहीं इसका मतलब क्या होता है, भरोसा करना या किसी के ऊपर जो है डिपेंड रहना, ऐसा बोल सकते। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा, डिपेंड। प्रोटेक्ट मतलब किसी को बचा देना, इग्नोर मतलब कि छोड़ देना, डाउट मतलब हमेशा जो है संशय में रहना, ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है। चलिए क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे अब, फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कम्युनिकल हारमोनी। अगर हम लोग बात करें टू कम्युनिकल हारमोनी, इसका मतलब क्या होता, आप लोग यहां पर देखिएगा, प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट का मतलब यहां पर देखो, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट को वर्ड को फिल करना। जैसे अगर मान लो प्रेजेंट करते हैं तो हमारा कोई रिपेयर का मतलब भी कुछ नहीं होगा, मेंटेन, देखिए हमारा क्या होगा, रिलीज का मतलब छोड़ना हटाना, ये भी हमारा नहीं होगा, यानी टू मेंटेन कम्युनिकल हारमोनी। हमको देखो कम्युनिकल हारमोनी को मतलब, जैसे क्या है, समाज में कभी कोई विवाद ना हो, जो हमारे बीच में सौहार्द उसको बना के रखने का मतलब क्या होता है, मेंटेन होता। रिपेयर तो आपको पता मशीनरी वगैरह के लिए, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय में रहता है, रिलीज मतलब किसी चीज को छोड़ देना होता है। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, अगला देखिए हमको दिया है, कंपल्सन टू स्टील। देखिए कंपल्सन टू स्टील हमारा क्वेश्चन नंबर 84 या कह सकते हो ये हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि ये बार बार चीज़ें पूछी जाती है आप लोगों से। देखिएगा कंपल्सन टू स्टील, पहला हमारा क्या है, मैगलोमानिया, इसके अलावा बात करेंगे पायरोमानिया, क्लेप्टोमानिया और नेम्थोमानिया। अब अगर इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करें, एक एक चीज़ को समझेंगे। देखिए क्लेप्टोमानिया का मतलब पहले हम लोग देखते हैं, क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अगर क्लेप्टोमानिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी। अगला बात करेंगे हम लोग मेगलोमानिया, मेगलोमानिया का मतलब होता है महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति, यानी जिसके पास हमेशा महत्वाकांक्षा रहती हो, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति। इसके अलावा बात करूंगा मैं नेप्थोमानिया, तो नेप्थोमानिया का मतलब होता है स्त्रियों का कानमोन्माद, यानी जैसे स्त्री प्रेमी कह सकते हैं जिसको हम लोग, जो सेक्सुअल की तरफ हमेशा जो है अट्रैक्टिव रहता है, उसको बोलते हैं नेप्थोमानिया। इसके अलावा हम लोग बात कर लेंगे अपना
लास्ट हमारा जो बता है बचा है पायरोमानी, यानी चीज़ों को अलग करना, यानी किसी भी चीज़ों को अलग करना, यानी चीज़ों को निकाल करके अलग करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पायरोमानिया। तो आप लोग देख सकते हो उसमें से कंपल्जन टू स्टील, कंपल्जन टू स्टील। अब आपको बताना है इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा। देखिए हमारा ये हमारा, यानी किसी चीज़ को चोरी करने की आदत बोल सकते हैं, या चोरी करने की जिसको आदत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कंपल्सन टू स्टील। यानी कोई जो हमेशा, मतलब जो प्रतिबंधित हो चोरी करने के लिए, जो हमेशा जो है जिसके मन में चोरी वाला भाव हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। अब यहाँ पर देखिएगा हमारा फिल इन द विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पर फिल करना, आपको यहाँ पर खूब अच्छे से चीज़ों को समझना। द वर्कर्स इंटरसेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, दे विल गो ऑन स्ट्राइक। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर यूज करना, अब देखिए सारे के सारे जो आपको दिए हुए ये कंजक्शन है। अब ये सारे कंजक्शन को हमको चेक करना है कि कौन सा कंजक्शन हमारा अप्रोप्रिएट होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एंड प्रोटेक्ट एंड दे, तो एंड का मतलब आपको होता है, शो का मतलब होता है जब कहीं कोई चीज़ एकदम श्योर हो जाए, होने के सेंस में तब होता है। अब देखिए यहाँ बात करेंगे हम लोग बट का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक के बजाय दूसरे, भी हमने पहले क्वेश्चन बताया था कि जब क्या हो कहीं दो चीज़ों को जोड़ना हो तो फिर हम लोग बट का यूज करते हैं। देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एल्स हो जाएगा हमारा बढ़िया, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा क्या होगा, एल्स होगा, यानी फोर्थ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एल्स। चलिए क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ दियर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट टू नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें हमको देखिए जो सेंटेंस हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स आर बींग ट्रेन इन लीडरशिप स्किल एट द IIM अहमदाबाद फ्रॉम 15 to 24 July। अब आपको देखना जो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस दिया हुआ है, ये हमारा जो है क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है। अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है आर बीइंग ट्रेंड। अब जैसे यहाँ पर देखिएगा यहाँ हमको क्या दिया है, आर बीइंग ट्रेन, तो देखिए आर बीइंग ट्रेंड ना, तो आपको पता है कि जब भी आता तो यहाँ पे ट्रेन फर्स्ट नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आर बी ट्रेंड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर टू राइट हो जाएगा, क्या आर बी ट्रेंड। और आपको पता है क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल लगता है, आपको पता है क्या लगता है, पार्ट पार्टिसिपल लगता है, यानी V3 लगेगा, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ में आ रही होंगी। अच्छा, जिन दोस्तों को अगर मान लो इंग्लिश में एकदम से उनकी हालत पतली है, कुछ चीज़ें उनको कम आती हैं, तो वो बताएंगे तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट को देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्द आप लोगों का एक महीने के अंदर फिजिकल होने वाला है, उसके एक महीने के अंदर आपका एग्जाम होने, तो हमारे पास समय बहुत कम है, इस वजह से हम लोग कुछ टॉपिक जैसे मान लो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कुछ टॉपिक मैं आप लोगों का करवा दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। अभी तो हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अच्छे से देखिए, He stopped copying when the examiner warned him. अब देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो हमारा है ये पास्ट में, यानी ये हमारा क्या है पास्ट में सेंटेंस है पूरा हमारा, ये सेंटेंस हमारा पास्ट का। तो आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे warned him, जैसे हमको दिया है यहाँ पे warned him, तो ये हमारा देखिए ये पास्ट में नहीं, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है वार्नड हिम। आपको पता है क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में आपको सब पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वार्न्ड, ठीक है ना, इस तरीके से चलता नहीं, हमको सेकंड फॉर्म करना, तो वार्न का सेकंड फॉर्म भी वार्न है और थर्ड फॉर्म भी वार्न, तो यहाँ पर हमको सेकंड फॉर्म से ही मतलब है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा वार्नड हिम, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वारंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों वारंट है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गलती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा और वारंट है, WARNED वारंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे अपना 88। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पर देखना है, देखो हैजर्डुअस, हैजर्डुअस का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताना है, आपको पता भी होगा हैजर्डुअस का मतलब होता है जोखिम भरा, हैजर्डुअस का मतलब होता है जोखिम भरा। अगर हम लोग बात करें हैजर्डुअस का मतलब होता है जोखिम भरा, ठीक है ना, हैजर्डुअस का मतलब होता है जोखिम भरा।
ठीक। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, रिस्की, रिस्की का मतलब भी आपको पता है जोखिम भरा, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, अगर हम लोग बात करें सिक्योर तो सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, और बल्कि मतलब होता है भारी, बल्कि मतलब होता है भारी, और सर्टेन मतलब होता है कभी कभार या किसी समय, या जिसको कह सकते हैं एक निश्चित समय पर, ठीक है ना। और आपका बात करें तो अब आपको बताना है कि हैजर्डुअस का मतलब क्या होता है, आपको पता है हैजर्डुअस का मतलब होता है जोखिम भरा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी रिस्की भी आपका होता है जोखिम भरा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अपने आप। 89 नंबर, देखिए, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कॉन्टेंस अ ग्रामेटिकल इरर। आपको यहाँ पर ढूंढना है दोस्तों कि आपके इस सेंटेंस में कहाँ पर इरर है। अब आप देखिएगा, बी यूज टू टीच डांसिंग अ स्कूल डिड सी। अब इस सेंटेंस को जब आप लोग देखेंगे, जो हमारा मेन वाक्यांश, जब हमारा मेन सेंटेंस है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, डिडेंट होना चाहिए था, यहाँ पर डिड सी लिख दिया है, तो ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन टैग में क्या होता है, डिडेंट होना चाहिए था, यानी डिड सी की जगह पे क्या हो जाएगा, डिडेंट। तो हमारा देखिए यहाँ पर जो डिड सी है ये हमारा इरर है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिडेंट, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, डिडेंट हमारा हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा राइट होगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 90 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमको देखिए यहाँ पर जो हमको वर्ड दिया है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम निकालना है। आपको पता है रिमोट, रिमोट का मतलब होता है सुदूर या दूरस्थ, क्या होता है दोस्तों, सुदूर या फिर दूरस्थ। अब आपको यहाँ पर देखना है, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका हमारा एंटोनिम हो जाएगा क्लोज, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, पास, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे अननोन मतलब जिसके बारे में जान के साथ, सीक्रेट का मतलब होता है, सेक्रेट का मतलब होता है गुप्त रखना, अनलाइकली मतलब किसी को पसंद ना करना, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अब बात करेंगे अपने 91 नंबर, ये देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom। देखिए लाउड माउथ, अब यहाँ पर देखेंगे लाउड माउथ का यूज ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपमानजनक या बेअदबी से बातें करता है, यानी लाउड माउथ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बदतमीजी से बातें करता हो, जो जो उसके पास मतलब बातचीत करने का जो है ढंग ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं लाउड माउथ पर्सन। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, वन हु ऑफ माई फ्रेंड, एक मैं एग्जाम्पल लेके आपको बता रहा हूँ, वन हु ऑफ माई फ्रेंड इन लाउड माउथ हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड विथ सीक्रेट्स। अब देखिए यानी एक मेरा व्यक्ति ऐसा है जिसको हम अपना कोई सीक्रेट नहीं बता सकते, क्योंकि वो पता वो लीक कर देगा, वो क्या कर देगा, हमारा लीक कर देगा। तो इसका देखिए लाउड माउथ मतलब वन हु टॉक्स बॉस्टफुली, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कभी भी बोल सकता है, जिसके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं, जैसे गांव घर में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके मुंह से कभी भी कोई बात निकल सकती, उस सेंस में इसका यूज होगा। वन हु स्पीक क्लाम, जो शांति से बोलता बिल्कुल नहीं होगा। वन हु स्पीक नेवर, जो नर्वस होकर के बोलता वो भी नहीं होगा। वन हु टॉक वेल, जो अच्छा बोलता वो भी नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों अपना 92 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए आप क्या होता है, निगलेक्ट, आपको पता होगा निगलेक्ट का अर्थ होता है उपेक्षा कर देना, यानी किसी को अपेक्षित कर देना, यानी हटा देना, उपेक्षा सबसे अच्छा हमारा वर्ड होगा कि उपेक्षा कर देना, किसी व्यक्ति की क्या करना, उपेक्षा करना, किसी व्यक्ति की कार्य क्या कर देना दोस्तों, उपेक्षा कर देना, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको देखें समझिए, निगलेक्ट का मतलब होता है किसी की उपेक्षा कर देना। अब देखिए अगर मान लो यहाँ पर हमको क्या एंटोनिम निकालना है, देखो टेस्ट मतलब स्वाद, विश का मतलब इच्छा, मॉक का मतलब जो है टेस्ट ऐसा कह सकते हो या प्रैक्टिस, और केयर का मतलब होता है किसी का ध्यान देना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अपना 93, ठीक है ना। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, वाई नॉट गिवन हिम अ फ्री हैंड कंडक्ट हिज बिजनेस। अब आपको देखिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि प्रीपोजिशन 2 का यूज हमेशा उपयुक्त होगा। क्यों उपयुक्त होगा, क्योंकि वो हमको किसी चीज़ से अलग करने, क्या कैसे ऐसे कह सकते हो, इन्फिनाइट बनाता है, यानी जैसे 2 हमारा जो होता है किसी चीज़ को इनफिनाइट बनाता है। इनफिनाइट का मतलब है कोई चीज़ को दिखाने की कोशिश करता है कि ये चीज़ एकदम निश्चित रूप से हमारे पास, निश्चित करने का प्रयास करता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब देखिए इसमें हमको देखना है, आई हैव लॉस्ट माई स्कूल डायरी, आई कैंट फाइंड इट नाउ वेयर। अब आपको यहाँ पर देखना, अगर हम लोग बात करें नाउ वेयर, देखिए जो हमारा यहाँ आया दोस्तों नाउ वेयर, ये हमारा देखिए नाउ वेयर का मतलब होता है, अगर हम लोग इसको समझना चाहें कि इसका मतलब होता है कि
पता नहीं किस तरीके से अब यहाँ पर या इस जगह पर ऐसा ऐसा नहीं होगा, यानी ये उसको याद ही नहीं था वो अपना डायरी कहाँ पर पाएगा या कहाँ उसकी डायरी खोई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ वेयर की जगह पर एनी वेयर, यानी कहीं पर भी, यानी एनी वेयर हमारा हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एनी वेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 95, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस दैट कॉन्टेन अ ग्रामेटिकल इरर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि किस में जो है ग्रामेटिकल इरर देखने को मिलता है। एग्जेक्टिव कैपेबल के बाद अगर हम लोग बात करें, एग्जेक्टिव कैपेबल, देखिए जो कैपेबल है दोस्तों आपका ये एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव कैपेबल के बाद हम लोग हमेशा इन्फिनाइट का यूज करते हैं। हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इन्फिनाइट का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्या होगा, यानी कैपेबल होगा, यानी जो एग्जेक्टिव कैपेबल होगा उसके बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इनफिनाइट का यूज करते हैं। तो कैपेबल ऑफ डूइंग होगा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग हमारा क्या होगा, उचित होगा। कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा यहां पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, टू बी वेटर हमारा यहां पर ऑप्शन फोर्थ नंबर में हमारा एरर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ पर हमको जो है चीज़ों को पढ़ के करना। देखिए आपका हमेशा कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आपका ये जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये आपके अंडरस्टैंडिंग, आप लोग जितना पेपर वगैरह के प्रैक्टिस करोगे, जितना मेहनत करोगे, उसी से ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपको समझिएगा। नमिता हैड नॉट इनफ कैश, सी डिड नॉट अ क्रेडिट एंड आइदर सी फाउंड हर्षल। अब देखिए उसके पास क्या नहीं था, उतना ज़्यादा कैश नहीं था, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा है। अच्छा, आपको जब भी दोस्तों इस चीज़ को फिल करना है, जब भी आप एक चीज़ करोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ से पढ़ के नहीं करोगे, आप पूरे सेंटेंस के कम एक दो लाइन आगे तक पढ़ने, तभी आपको सेंस समझ में आएगा। हर्षल इन आर ही सीट कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ फ्रेंड हूम। देखिए सी आ फिक्स, यानी फिक्स नंबर आप ऑफ फिक्स, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, ऑफ अ फ्रेंड होम सी कॉल्ड फॉर हेल्प, हर फ्रेंड केम एंड सेटल टू बिल नमिता थैंक टू। अब देखिए अब बिल, अब आगे बात करें, फ्रेंड केम, अब देखिए नियर इनविटेट, देखिए इनविटेट और डायरेक्ट की बात करते तो हट जाएगा, अब क्लोज होगा या तो नियर होगा। आप लोगों को देखिए नियर का मतलब होता है किसी चीज़ को पास लेना, तो क्लोज उसके, यानी कोई व्यक्ति क्या होता है हमारे क्लोज होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। देखो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। अब फोर्थ नंबर हम लोग बात करें, यानी आगे चलेंगे जो हमारा है, हर फ्रेंड केम एंड सेटल्ड विल नमिता आस्थर। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पर्पजली रेगुलरली इमिडिएटली, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इमिडिएटली, यानी उसके पास वो तुरंत आई, यानी बहुत जल्दी से आई, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर इमिडिएटली हो जाएगा। अगर लास्ट वाला की बात करेंगे, हमारा थैंक्ड हर सन एक्सपीरियंस हर सी प्रॉमिस रिटर्न मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, उसने प्रॉमिस किया कि अपने जितना हो सकेगा, जितना ग्रेजुअली हो सकेगा, ग्रेटिट्यूड हो सकेगा, उतना जल्दी अपने मनी को, यानी उसके मनी को, अपने दोस्त के मनी को वापस कर देगी। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये इंग्लिश का जो पहला हमारा लेक्चर था ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं, आपकी सजेशंस को हम लोग पूरा फॉलो करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आपके जो है AOC के पेपर के निकलवाने की गारंटी हम लोगों की, आप अच्छे से खाली पढ़ाई करें। थैंक यू, जय हिंद जय।